श्री राजपूत कर्णी सेना ने प्रादेशिक बंद का कल आह्वान किया, उसको लेकर ताजा अपडेट क्या कुछ है जानेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवाड़ी से, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, लेटेस्ट अपडेट इस मामले को लेकर क्या कुछ है, बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल भारती, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जिस तरीके से घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसका वीडियो फुटेज सामने आया है, उनके कमरे में लगा सीसीटीवी फुटेज जो बाहर आया उसको देख करके हर किसी का दिल दहल गया और जिस प्रकार से गोलियों से भून डाला गया, तो इससे न केवल राजपूत समाज बल्कि हर समाज में आक्रोश है कि इस प्रकार से दरिंदगी, इस प्रकार से गुंडागर्दी राजधानी जयपुर में अगर देखने को मिलती है तो एक बहुत बड़ी बात है। तो इस बात का विरोध हर किसी के मन में, तो वहीं राजपूत समाज ने इसका खुल करके विरोध किया है, सड़कों पर उतरा है, राजस्थान बंद का आह्वान किया जिसका सभी ने समर्थन किया है। राजधानी जयपुर की बात करें तो पूरा जयपुर शहर बंद है, पूरे बाजार बंद है, अलग अलग रास्ते अगर बात करें, अजमेर हाईवे की बात करें, सीकर हाईवे की बात करें, दौसा हाईवे की, सभी हाईवे को बंद कराने का प्रयास किया गया, वहां पर प्रदर्शन किया गया है, कहीं पर एक घंटे का बंद रहा, कभी दो घंटे के लिए बंद रहा, तो हाईवे को बंद किया गया, प्रदर्शन किया गया। हालांकि कहीं पर भी बल प्रयोग पुलिस की ओर से नहीं किया गया, क्योंकि ये गुस्सा इस प्रकार का था कि बल प्रयोग अगर पुलिस कर रही है तो फिर सामने से काउंटर भी और लॉ एंड ऑर्डर और भी बिगड़ सकता है। तो पुलिस ने बिल्कुल सूझबूझ से काम लिया है, जो गुस्सा है, जो उनका प्रदर्शन है, उसको करने दिया गया है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि SIT का गठन कर दिया गया है, एक बड़ी बात है, लेटेस्ट अपडेट है कि इस मामले को लेकर के तत्काल इसमें गंभीरता दिखाई है पुलिस प्रशासन ने। SIT टीम को लीड करेंगे दिनेश MN, जो कि आनंदपाल एनकाउंटर टीम को लीड कर रहे थे, उनके नेतृत्व में उस टीम ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था और अब उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल SIT की टीम करेगी। करण शर्मा भी इस SIT की टीम में शामिल होंगे। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि विरोध की तस्वीरें पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग कस्बों से, शहरों से निकल करके सामने आ रही है। जयपुर में BJP मुख्यालय के बाहर भी तोड़फोड़ की गई है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है और BJP सत्ता में आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का चयन नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री ने पद की शपथ नहीं ली है, अभी BJP ने पूरी तरीके से अपने हाथ में कमान प्रदेश की नहीं ली है, लेकिन जनता का जो गुस्सा है वो BJP के बाहर भी, मुख्यालय के बाहर देखने को मिला है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि जयपुर अजमेर दिल्ली हाईवे को भी जाम करने का प्रयास किया गया, उदयपुर से खबरें आ रही है, उदयपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर पथराव किया गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये घटना हर किसी को विचलित करने वाली घटना थी और हर किसी के मन में इस घटना को लेकर आक्रोश, कहीं न कहीं किसी ने खुल के विरोध किया है तो किसी ने अंदर मन से इस घटना में जो आरोपी हैं उनको पकड़े जाने और कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा की उनकी मन की इच्छा है। और इसी प्रकार से जो राजपूत समाज के लोग हैं जिन्होंने खुल करके ये एक मोर्चा खोल दिया है, कई जगह पर ट्रेनों को रोका गया है, कई जगह पर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया गया है, कहीं पर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर दी गई है, जोधपुर में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया गया, रेलवे ट्रैक पर हजारों की संख्या में युवा देखे गए हैं, तो वहीं चित्तौड़गढ़ में भी कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया गया है, टायर जलाया गया है, दुकानों को बंद करवाया गया है। उदयपुर की बात करें तो वहां भी कलेक्ट्रेट चौराहे के पास प्रदर्शन किया गया और उस दौरान लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही पुलिस पर पथराव भी हुआ है, उदयपुर में पथराव की खबर आई है सामने। तो वहीं बात करें जयपुर शहर की तो एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की गई, कांच तोड़ दिए गए। अजमेर की बात करें तो वहां सुबह ही राजपूत समाज के जो लोग थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान बाजार बंद कराए, दुकानें बंद कराई। उदयपुर हाईवे पर प्रदर्शन किया गया, टायर जला करके काफी लंबा जाम देखा गया, ऐसा ही हाल चूरू का देखा गया, चूरू में भी बंद का व्यापक असर देखा गया। जयपुर में भी अलग अलग इलाकों में, सिरसी रोड की बात करें, झोटवाड़ा की बात करें, अजमेर रोड की बात करें, अलग अलग इलाकों में व्यापक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आवागमन के लिए इमरजेंसी वाहनों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उदयपुर कलेक्ट्रेट की बात करें तो हजारों की संख्या में भीड़ उदयपुर में जुटी है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में भारी संख्या में लोग जुटे हैं, अपना गुस्सा वहां पर जाहिर किया है। तो वहीं इस पूरे मामले में राज्यपाल ने भी इसको पूरी गंभीरता से लिया है, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं, DGP से भी कल उन्होंने बातचीत की थी, कमिश्नर को बुलाया, DGP को बुलाया, सभी जो अधिकारी है, क्योंकि फिलहाल राजस्थान में मुख्यमंत्री ने कार्यभार नहीं संभाला है, नए मुख्यमंत्री ने कार्यभार नहीं संभाला है, तो राज्यपाल पूरे इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, किसी प्रकार से प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित नहीं हो, तो अधिकारियों से फीडबैक भी लिए हैं और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो कुल मिलाकर के
राजस्थान बंद का जो आह्वान किया गया था उसका व्यापक असर देखा गया है। राजधानी से जाने वाली सैकड़ों बसें जो जिनसे हजारों लाखों लोग आवागमन करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, वो बसें रुक गई हैं, उनके पहिए रुक गए हैं, अलग अलग हाईवे सूने पड़े हैं जहां पर हजारों वाहनों का आवागमन देखा जाता है वो हाईवे सूने पड़े हैं। तो ये एक व्यापक तस्वीर पूरे प्रदेश की निकल कर सामने आई है भारती। जी आशीष, जैसा कि आपने बताया कि अभी अभी कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर हुई है, नई सत्ता आई है भाजपा के हाथ में, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। एक तरफ हम नवनिर्वाचित विधायक, अगर भाजपा के विधायकों की बात करें तो उनके बयान हम देख रहे हैं, जैसे दिया कुमारी ने कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार जो अभी अभी सत्ता से बाहर हुई है उनके हाथ में किस तरीके से कमान थी और टोटल लॉ एंड ऑर्डर को फेलियर उन्होंने बताया। बाल मुकुंदाचार्य की बात करें, हवा महल से जो नवनिर्वाचित विधायक है, उनके भी ऐसे ही बयान सामने आए कि पुलिस प्रशासन जो है वो नाकाम साबित हो रहा है। और वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो वो भाजपा को कहीं ना कहीं आड़े हाथों ले रही है कि सीएम का फेज अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, मंत्री पद की शपथ नहीं हुई है, कमान किसके हाथ में है आशीष? बिल्कुल, देखिए राजनीति भी लाजमी है लेकिन ये मामला इतना सेंसिटिव है, इस मामले में जिस प्रकार से जो दोषारोपण की बात करें, एक और जहां कांग्रेस के लिए बचने की जगह है क्योंकि वो सत्ता से बाहर हो चुकी है, हालांकि जो प्रशासन है, पुलिस अधिकारी है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो पूरा कांग्रेस की सरकार की ओर से लगाया हुआ है। अभी बीजेपी सरकार ने कमान संभाली नहीं है, उन्होंने अपने अधिकारी, अब जब भी सरकार अपने हाथ में कामकाज लेती है तो डीजीपी से लेकर के थानाधिकारी तक हर कोई का ट्रांसफर भी होते हैं, अपने अपने अधिकारियों को सेट करते हैं अपनी रणनीति के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कौन सा अधिकारी उनको रिपोर्ट करेगा, कैसे उस व्यवस्था को संभाली जाएगी। तो ये जो घटना का समय है, ये घटना का समय ऐसा है कि एक तरफ सरकार जा रही है, दूसरी सरकार आ रही है, लेकिन इसी दौरान ये घटना घट रही है। अभी बीजेपी इस बात से बच सकती है कि हमने अभी सत्ता की कमान संभाली नहीं है और उससे पहले ये घटना हो गई, तो जो भी कुछ है वो सारा दोष है वो। आशीष, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे संवाददाता दौसा से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है राहुल भारद्वाज। राहुल भारद्वाज, क्या कुछ अपडेट है दौसा को लेकर, विस्तार से जानकारी हमारे साथ साझा करें। राहुल भारद्वाज दौसा संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है इस बंद को लेकर, हाईवे की भी बात हमें बताएं कि किस तरीके से बंद का असर देखा जा रहा है। बिल्कुल मैम, सुखदीप जो गोगा मेट के हत्याकांड को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन जारी है, इसी के अंतर्गत दौसा जिले भर में आंदोलन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय सहित जिले के लालसोट, बांदीपुर, सिकराय, महुआ आदि इलाकों में समाज के, राजपूत समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है, बंद कराया है बाजार। जिला मुख्यालय दौसा की बात करें तो यहाँ पे 2 घंटे से अधिक समय तक राजपूत समाज के लोगों ने टायर जला के प्रदर्शन किया। जो शहर का मुख्य गांधी तिराया है उसके जो रोड है उसके आसपास के रोड जाम रखा, जिससे पुलिस को यातायात को संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। 2 घंटे तक शहर का यातायात बाधित रहा, इसे पुलिस ने मशक्कत कर संभाला। इसके अलावा 2 घंटे के बाद राजपूत समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। ठीक है राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता राहुल भारद्वाज, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे इस खबर पर अपडेट के लिए। चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता सलमान मंसूरी फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। सलमान, क्या कुछ अपडेट चित्तौड़गढ़ को लेकर, विस्तार से हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। प्रादेशिक बंद का जो आह्वान राजपूत करनी सेना की ओर से किया गया है, कितना व्यापक असर देखा जा रहा है? देखिएगा, सुबह 9 बजे से कलेक्ट्रेट चौराहे पर पूरा अभी बंद कर रखा है, कलेक्ट्रेट चौराहे पे वहां पर जो समाज के साथ समाज की ओर से प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जो शहर है वो दोपहर 12 बजे तक भी बंद रहा है, बंद का आह्वान किया था, सर समाज ने बंद का आह्वान किया था, वो पूर्ण तरह सफल रहा है। और अभी अभी भी कलेक्ट्रेट चौराहे पे हैं जो अभी काफी लोग वहां एकत्र हो रहे हैं। इसके अलावा सर समाज ने ये भी निर्णय किया कि जब तक इसका फैसला नहीं हो जाए, जब तक मुजरिमों को जो दोषी व्यक्ति है उनको अगर सजा नहीं मिल जाए, जब तक वो एक हर समाज की ओर से यहाँ एक एक दिन यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी सलमान, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा फैसला यहाँ पर एक लिया गया है, चक्का जाम 4 बजे बाद कराया जा सकता है। संघर्ष समिति ने कमान राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष को सौंपी है। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकराना ने कहा कि राजपूत सभा के अध्यक्ष अब इस मोर्चे को संभालेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजपूत सभा भवन से प्रदर्शनकारियों का बड़ा काफिला निकला है
और 4 बजे चक्का जाम हम देख सकते हैं, जगह जगह बंद करवाया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की ओर से। बड़ी खबर इस वक्त की, लेटेस्ट अपडेट हम आपको दे रहे हैं, राजपूत सभा भवन में जो बैठक हुई उसमें ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि शाम 4 बजे बाद राजस्थान में चक्का जाम कराया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, संघर्ष समिति ने कमान राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष के हाथों में सौंप दी है और ये महत्वपूर्ण बैठक राजपूत सभा भवन में हुई जिसके तहत ये फैसला लिया गया है कि शाम 4 बजे बाद प्रदेश में चक्का जाम कराया जाएगा। हालांकि चक्का जाम करने से पहले ही कुछ खबरें हम आपको बता रहे थे जहां पर ट्रेन को रोका गया, बस को रोका गया, टायर्स जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसी तमाम तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की। लेकिन इस वक्त का ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं, 4:15 बजने को है और 4 बजे बाद राजस्थान में चक्का जाम किया जा सकता है। संघर्ष समिति ने कमान राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष के हाथों में सौंप दी है। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकराना ने कहा है कि राजपूत सभा के अध्यक्ष ही अब इस पूरे मोर्चे को संभालने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हम आपको बता दें कि कल सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जिस तरीके से हत्या की गई उसके बाद में ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जगह जगह पर बंद का आह्वान किया गया है, पूरे प्रदेश में इस बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे थे कि शाम 4 बजे बाद चक्का जाम किया जा सकता है प्रदेश में। ये इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट हमने आपको दी गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर। अगली खबर का रुख करेंगे, राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में बुधवार को अलवर में विरोध प्रदर्शन हुआ। राजपूत समाज और करणी सेना के युवाओं ने बस स्टैंड मार्ग पर जाम लगाया और रोष जताया। राजपूत समाज के नेता संजय सिंह नरूका, शाहिद करणी समाज के युवाओं ने हत्याकांड को लेकर आक्रोश जताया और सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई। तो वहीं इन युवाओं के विरोध और जाम लगने से बसों का संचालन प्रभावित हुआ। राजस्थान परिवहन निगम के अधिकारियों ने रास्ता जाम की सूचना पर एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। इसमें चालक परिचालकों को अपने विवेक से बस चलाने के निर्देश दिए। तो वहीं रास्ता जाम की सूचना पर पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। गोगामेड़ी जी के ये निर्मम हत्या के विरोध में मालेखड़ा संघ ने भी पूरी बार ने एक साथ होकर राजपूत समाज का साथ दिया है और पूरे बाजार बंद कराने के साथ साथ गए, ज्ञापन में साथ साथ रहे और राजपूत समाज के इस जो मांगे की है उस मांग में पूरा समर्थन दिया है। वकील साथ ही सारे राजपूत समाज जो भी निर्णय लेगा उसमें उनका भी निर्णय सम्मिलित है और सहयोग है। कोर्ट में कार्यस्थल सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं चैनल के माध्यम से। जगह जगह पर बंद करवाया जा रहा है, शाम 4 बजे बाद चक्का जाम कराया जा सकता है। इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट हम आपको दे रहे हैं, 4 बजे बाद राजस्थान में चक्का जाम की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। संघर्ष समिति ने कमान राजपूत सभा भवन के अध्यक्षों के हाथ में सौंप दी है। एक बड़ा काफिला जो है राजपूत सभा भवन से निकला है प्रदर्शनकारियों का और जगह जगह पर बंद करवाया जा रहा है और ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि शाम 4 बजे बाद में प्रदेश में चक्का जाम कराया जा सकता है। लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं और विस्तार से इस खबर पर जानकारी भी लेंगे। हमारे संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ, जो कुछ देर पहले ही राजपूत सभा भवन में मौजूद थे। दुर्गेश, क्या कुछ अपडेट है, ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि 4 बजे बाद प्रदेश में चक्का जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है? देखिए भाभी, ये शुरू से ही लग रहा था कि जिस तरीके की बातें राजपूत समाज जो है उद्वेलित है और वो अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है और इसी के तहत आज जब बाजारों में कुछ दुकानें खुली हुई थी तो उसके बाद वो थोड़े से उद्वेलित और ज्यादा हुए हैं। कई चौराहों पर उन्होंने जो टायर जलाए हैं, लोगों से जबरदस्ती भी की है और मारपीट की भी कई कई जगह से खबरें आ रही है।
उस बात को लेकर अब राजभवन भी जो है वो थोड़ा सा इफेक्टिवली काम करने लगा है। आपको बता दें क्योंकि अभी तक औथ नहीं हुई है सीएम की, और जो कार्यकारी सीएम अशोक गहलोत हैं उनके पास में संवैधानिक शक्तियां नहीं है। ऐसे में राजभवन से ही सारा सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। राजभवन में आज कलराज मिश्र ने, राज्यपाल ने आज एक इम्पोर्टेंट बैठक बुलाई। उसमें आपको बता दें कि मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ साथ जयपुर जो कमिश्नर हैं उनको तलब किया है, और कड़े शब्दों में हिदायत दी गई है कि किसी भी तरीके की कोई कोताही जो है अगर बरती गई, कोई ढिलाई अगर बरती गई, तो उसको किसी भी कीमत पर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संगठित अपराध को लेकर, राज्यपाल ने कड़े शब्दों में कहा है कि संगठित अपराध के ऊपर किसी भी प्रकार से लगाम लगाना जरूरी है, और एसआईटी का जब गठन हो गया है, ऑफिसर्स ने राज्यपाल को इस बारे में जानकारी दी है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है, और जो एम एन दिनेश हैं उनको बुला लिया गया है, वो जयपुर पहुंच चुके हैं और अब वो जो है वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से कमान जो है राजभवन जो है वो देख रहा है, और पर्पल की खबर जो है राज्यपाल अपने ऑफिस में बैठ के एक एक चीज के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी दुर्गेश, ये भी जैसा कि हम कल से लगातार देख रहे हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र जो है कल से इस मामले को लेकर पूरी कमान संभाले हुए हैं। कल भी उन्होंने बीजू जॉर्ज जोसेफ से पूरे हत्याकांड को लेकर जानकारी ली थी। क्या कमांडिंग इस वक्त उन्हीं के हाथ में है, क्या उनका आगे का क्या रुख देखने को मिल रहा है इस मामले को लेकर, क्योंकि अब ये मामला लगातार हम देख रहे हैं कि तूल पकड़ता जा रहा है। बिल्कुल, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, क्योंकि अभी जस्ट चुनाव होके गुजरे हैं और अभी सरकार का गठन भी नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री का नाम भी अभी तय नहीं कर पाई है बीजेपी, तो ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और वो केवल कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पे हैं, जब तक कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं रहता है तब तक, क्योंकि संवैधानिक जो मामला है उसको देखते हुए अब सारा जो मसला है वो अब राजभवन से होगा, क्योंकि राज्यपाल ही जो है वो अब पूरी तरीके से इस कमान को देखेंगे। संवैधानिक ये एक लेकुना जो है वो सामने है, इसीलिए अब सारी कमान जो है वो राज्यपाल के हाथ में है, और राज्यपाल सुबह से ही, कल से ही इस पूरे मामले को लेकर गंभीर हैं, और उन्होंने पहले भी कमिश्नर को बुलाकर तलब किया था, आज एक विशेष बैठक की है। उस बैठक में क्या कार्य नीति रहने वाली है, क्या कार्य प्रणाली रहने वाली है कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की, उसके ऊपर उन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी के जो हेड्स हैं, मुख्य सचिव हैं, गृह सचिव हैं, और उसके अलावा कमिश्नर हैं, डीजीपी हैं, इनको बुला के तलब किया है और उनको निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले को गहनता से देखें, मॉनिटरिंग करें, और मॉनिटरिंग राजभवन के द्वारा भी की जा रही है। जी दुर्गेश, जिस तरीके से हम इस मामले को देख रहे हैं, गोगा मीडिया हत्याकांड को जिस तरीके से ये तूल पकड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या ये बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहा है क्या कि उन्हें थोड़ी सी जल्दबाजी करनी चाहिए सीएम फेस डिक्लेयर करने में, ताकि पूरी तरीके से कमान हाथ में सौंप ली जाए और उसके बाद में इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए? क्योंकि हम लगातार ये भी देख रहे हैं दुर्गेश कि ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर गिरफ्तारी नहीं हुई आरोपियों की तो मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं होने देंगे। देखिए, ये समाज की तरफ से इस तरीके की बातें हैं और ये कहीं कहीं इसके पीछे जो है अंदर खाने की अगर बात करें तो कई तरीके के एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि राजपूत समाज भी चाहता है कि हमारा जो है वो प्रतिनिधित्व जो कैबिनेट है, आने वाली जो कैबिनेट है उसमें हो, और वो ये भी चाह रहे हैं कि कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पर राजपूत समाज को जो है वो उसका प्रतिनिधित्व करता हो, तो ऐसा तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स को तोड़कर भी इससे दिखा जा सकता है भारतीय, और कुल मिला के इस तरीके की जो स्थिति है वो, और ये एक मौका जो है उनको लग रहा है, राजपूत समाज को भी एक मौका लग रहा है कि इस मौके पर जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को थोड़ा सा प्रेशर में लाकर समाज का प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ाया जा सके, और इस पूरे मामले को। जी बिल्कुल ठीक है, आपने दुर्गेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर, जिन्होंने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से फिलहाल जो कमान है वो राज्यपाल कलराज मिश्र के हाथों में है और वो पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए हैं इस मसले पर, कमांड्स वो दे रहे हैं लगातार, और
जो डीजीपी हैं उनसे संपर्क में हैं, लगातार अपडेट्स उनके पास पहुंच रही है, किस तरीके से आगे कार्यप्रणाली रहे, किस तरीके से आगे कानून व्यवस्था को संभाला जाए, इस पर वो खुद पल पल का फीडबैक भी ले रहे हैं और निर्देशित भी कर रहे हैं संबंधित अधिकारियों को।